अब ट्रायल जोन पार करने आ रही है राघव के रॉकस्टार से नेपाल की लिटिल मास्टर तेरिया। बहुत ही प्यारी लग रही है तेरिया, तो चलिए फिर आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच तेरिया। रॉक द स्टेज, यही तो फील है भाई। थैंक यू। मैडम शॉट रेडी, लाइट्स कैमरा एक्शन। जानते हैं मास्टर से, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर अहमद से। आई फील द वे शी इज परफॉर्म्ड द होल एक्ट स्टार्ट से लेकर लास्ट बिट तक, ऐसा लगा एक स्टार थी। सी स्टार्टेड हीरोइन, शॉट ओके और बैठ गई। अ कंप्लीट जर्नी ऑफ एन एक्टर, और हर जगह उसने एक्सप्रेशन से लेकर सब चीज बैंग ऑन किया है। एंड लेट्स सी व्हाट वी कम अप विद। मास्टर गीता, ये एक्ट जब से शुरू हुआ मुझे पेन उठाने का मौका नहीं मिला, ना मैंने लिखा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है स्टार की जर्नी, परफॉर्म लाइक अ स्टार। एक्चुअली मेरा डर जो है ना आज के एलिमिनेशन का, वो मुझे बोलने नहीं दे रहा है। एंड आई एम रियली रियली स्केर्ड आफ्टर सीइंग दीज परफॉर्मेंसेज दैट टुडे we are going to lose very good dancers. मैं इतना ही कहूंगा, मैं ऐसी बात करता नहीं यूजुअली, लेकिन मैं सभी को हमारे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बड़ी हीरोइनों को इज्जत देकर मैं जो कहने जा रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी हीरोइनों को कॉम्प्लेक्स दे दोगी। करेक्ट। मतलब जो आज आपने कर दिखाया विद योर एक्सप्रेशंस, द वे यू जो वो पकड़ रही थी या छोड़ रही थी, मतलब एक्सप्रेशंस को खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग विद इट। नेपाल बहुत खूबसूरत जगह है, मेरे बहुत पसंदीदा जगह। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और वहाँ से एक रानी चलकर आई हैं। उस रानी को मैं इतना ही कह सकता हूँ, बस गॉड ब्लेस यू बॉडी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर तेरिया, आपने बहुत अच्छा किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ अपनी जगह पर जाके बैठ सकते हैं।